नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। तो कल गुड मॉर्निंग वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं नहीं उठ पाया। जैसा कि मैंने कहा था, मैं उठूंगा तभी गुड मॉर्निंग वीडियो आएगा। तो आज का टॉपिक ये है, आज इस बारे में बताने वाला हूँ कि गलती सबसे होती है और गलती को शायद इग्नोर करना चाहिए अगर आप रियलाइज कर चुके हैं। तो कैसे, स्क्रीनशॉट देता हूँ आपको। मेरी छत के बगल वाली छत में काफ़ी सारे जो है मंकी हैं, बंदर हैं, तो कहीं छत पे ना आ जाएं क्योंकि फ़ोन वगैरह लेके चले जाते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप रियलाइज़ कर चुके हैं अपनी गलती को, तो मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, बार बार उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। गलती सबसे होती है, चाहे वो आपके ऑफिस में गलती आपने की हो और आपके बॉस ने आपको डांटा हो, या घर में गलती की हो, माँ बाप ने डांटा हो, बाहर कहीं पे गलती की हो, किसी बड़े बुजुर्ग आदमी ने आपको डांटा हो, या आपसे जो बड़ा हो उसने डांटा हो, भले ही छोटे ने कहीं आपको कुछ कहा हो आपकी गलती पर, तो उसे इतना माइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने गलती की है। कैसे, पेटीएम पोस्टपेड के बारे में आप लोगों को बताता ही हूँ। तो उन्होंने कल ये जब मैसेज भेजा था कि 1 तारीख को उनका बिल जनरेट होता है पेटीएम पोस्टपेड का, यानी कि क्रेडिट कार्ड टाइप का है, क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है, उससे आप रिचार्ज, बिल पेमेंट और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने किया था, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो 1 नवंबर को उनका बिल आता है अगले महीने, यानी कि पूरे नवंबर का अगले महीने बिल आता है। तो उन्होंने मैसेज में जो टाइप किया है वो ये लिखा है कि इतना अमाउंट का आपका बिल जनरेट होने वाला है जो कि 1 अक्टूबर को होगा, जो कि अक्टूबर चल ही रहा है, बल्कि अक्टूबर का 1 नवंबर को होना चाहिए। तो उसका उन्होंने वो लिख दिया, जो कि मैंने भी इग्नोर किया था, कि मुझे लगा हाँ ठीक है भाई 1 तारीख को होगा, मैंने इतना मंथ पे ध्यान नहीं दिया। फिर उनका मैसेज देखिए क्या आता है, प्लीज इग्नोर प्रीवियस मैसेज, ऐसा करके कुछ आया है और उन्होंने लिखा है कि पिछला वाला जो मैसेज है उसे इग्नोर कर दीजिए और आपका बिल जो है 1 नवंबर को जनरेट होगा। तो देखिए, अब चाहे इसमें जो पेटीएम के यहाँ से भेजते हैं उनको देख लीजिए, या फिर मशीन लर्निंग सिस्टम देख लीजिए, जिससे कभी गलती की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मशीन लर्निंग सिस्टम की जो मशीनरी है, उससे तो कभी गलती की गुंजाइश ही नहीं की जा सकती। कंप्यूटर से तो कभी गलती की गुंजाइश ही नहीं की जा सकती। एक्सेल में अगर आप 2+2 करते हैं तो कभी 5 आ ही नहीं सकता। तो अगर वहां पे गलती हो सकती है तो आप तो खैर इंसान है, तो इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गलत तब हो जाता है जब आप बार बार गलती करते हैं, तो उस चीज को नहीं करना है। और गलती और गलत करने में बहुत फर्क होता है। गलत जानबूझ के आप करते हैं और गलती आ, 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 एक नेचुरल तरीके से गलती हो जाती है। जैसे आप जा रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, आप बस में हैं, किसी को धक्का लग गया, या फिर आप गलती से कुछ सामान लिया दुकान पर, एकदम से चल पड़े, पैसे नहीं दिए, वो गलती है। लेकिन आप जानबूझ कर ये सोच रहे कि दुकान में भीड़ है और मैं उनको पैसे ना दूं चलाऊं, तो वो गलत बात है। और फिर उसके लिए आप बस में चढ़े हैं और जानबूझ करके किसी को धक्का मार रहे हैं, तो वो भी गलत है। और कुछ भी, मतलब जो जानबूझ कर अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन गलतियों को ज़्यादा आपको मायने नहीं देना है, क्योंकि गलती सबसे होती है। जितने जल्दी इग्नोर करके जो है उसको आगे बढ़ोगे वो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और उसको इतना भी माइंड नहीं करना है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, या जो भी है, गलती सबसे होती है, हर कोई आखिर इंसान ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में नमस्कार, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बंद नहीं हुआ आज, चलिए एक बार फिर से नमस्कार, सुबह का नमस्कार और गुड मॉर्निंग, चलिए।